जय भोलेनाथ। दर्शकों, प्राचीन रहस्य चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आयुर्वेदा की एक और चमत्कारी बूटी, जो कि तंत्र शास्त्र और आयुर्वेदा में बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ सके, इसके सभी औषधि उपयोग आप जान सके। तो दोस्तों, आपका प्यार हमें मिल रहा है और आपका हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी औषधि वनस्पति जो कि तंत्र शास्त्र और आयुर्वेदा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये औषधि आप देख रहे हैं, इसका नाम है अधपुष्टि। इसका हिंदी में इसे छोटा कुल्फा तथा संस्कृत में इसे अधपुष्टि के नाम से जाना जाता है। आपके प्रांत में इसे किस नाम से जाना जाता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, कई लोग इसे अंधाहुली बूटी की बताते हैं, लेकिन वास्तव में अंधाहुली बूटी नहीं है। अगले आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको अंधाहुली बूटी से भी अवगत करूँगा। तो दोस्तों, ये अधपुष्पि की बूटी है। अध यानी नीचे, आप देख सकते हैं इसके जो पुष्प है वह नीचे की ओर झुके हुए हैं और इसके कारण ही इसे अधपुष्पि कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आयुर्वेदा में अत्यंत उपयोगी है। आयुर्वेदा अनुसार ये औषधि किंचित उष्णवीर्य, कटु तथा पौष्टिक मानी जाती है। जिन लोगों को वातरोग की शिकायत हो तो उनके लिए इसकी जड़ की छाल बहुत उपयोगी है। इसके जड़ की छाल 5 ग्राम और उसमें सौंठ 5 ग्राम मिलाए और इसको 100 ग्राम जल में उबाले और जब केवल 25 ग्राम जल शेष रहे तब इसे उतारकर दिन में 2 या 3 बार पिलाने से वात का दर्द और सूजन में ये अत्यंत लाभ करता है। और इसके साथ ही दोस्तों, इसे पेट में गैस का बनना, भूख कम होना आदि में भी ये अत्यंत उपयोगी है। बुखार के रोगों में इसकी जड़ की छाल तथा पीपरामूल 2 ग्राम, इसकी जड़ आप 5 ग्राम ले सकते हैं और उसमें 2 ग्राम पीपरामूल मिलाए और इसका काढ़ा बनाए। इस काढ़े को पीने से हर प्रकार का ज्वर कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी को अतिसार है, संग्रहणी है या खूनी पेचिस की शिकायत है तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ की छाल को खुद पीस कर इसका स्वरस निकाले और इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से अतिसार, खूनी पेचिस और संग्रहणी में ये अत्यंत लाभ करता है। दोस्तों, रतौंधी या आँखों की रोशनी कम हो गई हो तो ऐसी स्थिति में इसके ताजी जड़ की छाल आप ले और इसको पानी के साथ थोड़ा सा पीस कर इसका स्वरस निकाल ले और उसमें फिर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर कुछ दिन तक लगातार आप लेते रहे तो आप देखेंगे कि आपके आँखों की दृष्टि बढ़ने लगती है और साथ ही आपकी रतौंधी भी कम होती है। तो इसके बाद पेशाब के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिन लोगों को पेशाब गर्म आता हो, पेशाब करते समय कष्ट होता हो या पेशाब के साथ सफ़ेद अथवा लाल रंग का पदार्थ आता हो तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ की ताजी छाल को पानी के साथ पीस कर इसका अर्क निकाल ले और इसे दिन में 2-3 बार लेने से पेशाब संबंधित सभी रोग इससे दूर होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये पुरुषत्व को बढ़ाने वाली भी औषधि है। इसकी जड़ की छाल को निकाल कर छाया में सुखा ले और इसका पाउडर बना कर रखे और इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाए तो इसमें से 5 ग्राम चूर्ण को दिन में 2 या 3 बार दूध के साथ लेते रहने से ये सभी धातु को पुष्ट करता है और इसे नपुंसकता भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये अच्छा टॉनिक का काम करती है, सभी प्रकार की कमजोरी इस औषधि से दूर होती है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके तांत्रिक उपयोगों के बारे में। तांत्रिक उपयोगों में भी ये औषधि अत्यंत लाभकारी है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इसे किसी शुभ नक्षत्र में विधिपूर्वक अपने घर लाए और इसको घर लाकर इसका पाउडर बनाए, यानी कि आपको इस बूटी की पंचांग लेना है, यानी सारी बूटी आप उखाड़ कर अपने घर ले आए
और इसको बाद में छाया में सोकर इसका पाउडर बनाकर रखें, और इसके बाद जब कभी आपको प्रयोग करना हो, ये प्रयोग शत्रुनाश के लिए अत्यंत लाभकारी है, तो जब आपको यह प्रयोग करना हो तो आप इस औषधि का जो पाउडर आपने बनाया है उसमें थोड़ा सा गूगल मिश्रित करें और इससे हवन करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वह आपके पाँव के नीचे हमेशा दबा रहता है। तो दोस्तों, ये तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद की अत्यंत लाभकारी बूटी है, आप भी इसका लाभ लें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही हमने आपके लिए एक ब्लॉग का निर्माण किया है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के